नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे इंडिया की, भारत की। हमें पता है कि इंडिया अभी अंडर डेवलप कंट्री है, ठीक है, पर ये किसी को पता है कि हम अंडर डेवलप क्यों हैं? फिलहाल के टाइम पे इंडिया और चाइना में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता चलते। कुछ लोग, जो लोग चाइना गए हैं इंडियंस, उनको तो अगर किसी और से पूछेंगे, जो वहाँ के नेटिव्स लोग हैं, जो वहाँ के प्रजा है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे पूछेंगे तो उनको उनका हर एक एक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलता है। बिना उनकी तरफ से अगर कुछ भी उनके अगेंस्ट जा नहीं सकता। अगर मैसिव होता है कुछ भी, जैसे कोविड-19 हुआ अभी चाइना का, कोविड-19 के कारण उन लोगों के पास ऐसा पावर है, कोविड-19 के कारण जो हुआ है, कि वो एक अपना सपोज अपोजिशन चालू कर, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अपोजिशन में ना पड़े, इसलिए उन्होंने अभी ये सब वॉर का प्रॉब्लम शुरू किया कि अभी ये सब वॉर पे बिजी हो जाएंगे। तो लोग को ऐसा मेंटालिटी, नेशनैलिटी के ऊपर अब बात आएगी। अभी वॉर का टाइम चल रहा है, आपको ये सब तो चलता रहेगा, आप अभी हमारे सोल्जर्स के बारे में सोचिए, उनको सपोर्ट कीजिए, तो दिमाग कैसे घुमा देते हैं ये लोग। आज बात करेंगे इंडिया की। इंडिया और चाइना का अभी वॉर चल रहा है और नेपाल चाइना को सपोर्ट कर रहा है, चाइना का सपोर्ट कर रहा है। और अभी नेपाल में पहले सारे चैनल्स चलते थे, अभी सिर्फ दूरदर्शन आता है। गलत पंगा ले लिया इतने टाइम से, आज तक कभी नेपाल को हम लोगों ने कुछ कहा नहीं कि पूरी सपोर्ट की है, अचानक वो चाइना का सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि चाइना बहुत स्ट्रांग कंट्री है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है। हमको पता है कि हमारी इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी, और ब्रिटिशर्स ने सारा सोना लेके चले गए। हमको पता है हम सोने की चिड़िया, हमें क्यों कहा जाता था, अब हमें क्यों नहीं कहा कहते। तो किसी को पता है कि सोने की चिड़िया हम बने कैसे? बहुत लोगों को नहीं पता है। इंडिया में सिर्फ 3 गोल्ड माइंस हैं, सिर्फ 3। हमारा सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम है। हम अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका आजकल लेटेस्ट, हम लोग अमेरिकन्स को कॉपी करते हैं। रेड इंडियंस का नाम तो सुना ही होगा, वो इंडिया ढूंढने गया था पर गलती से अमेरिका पहुंच गया था, इसलिए वहां के लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट वहां के नेटिव लोग ही वही हैं ये सब तो। और जो लोग इंडिया को सपोर्ट नहीं करते और इंडिया को समझते पिछड़ा, तो आप ये सब जो है ना, ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस हुए हुए लोग हैं। आई रियली लव माई कंट्री, सही में। अभी ये किसी को मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा, सही में। अगर हम लोगों ने ही नंबर्स बनाए, 0 भी हमने बनाया, 1 से लेकर 9 तक भी हम ही ने बनाया। हम लोग तब स्टेबलाइज थे, हम लोगों को तब पढ़ना लिखना आता था जब लोग खाने के लिए तरसते थे। जो चाइना में बुद्धिज्म है, हम लोग इतने स्ट्रांग थे पहले, इतने स्ट्रांग कि कोई हम पे हमला कर ही नहीं सकता था। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमने कभी हमला बाहर जाके नहीं किया, वॉर्स हम लोगों ने बहुत, एक ही आदमी ने किया था, चोला एम्प्रोर जो था उसने बाहर जाके वॉर किया, पर हमने आज तक भारत के बाहर जाके वॉर नहीं किया, तो भी हम सोने की चिड़िया थे। कैसे? ट्रेडिंग की वजह से। ट्रेडिंग एक खास तरह का सोर्स है, एक सबसे अच्छा, हमारे पास, हर इंसान के पास ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं,
खुद को स्टेबलाइज करने की बात है। लोगों से सीखिए किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि यही एक सोर्स है जिसके कारण हम डेवलप कर सकते हैं। अमेरिका डेवलप इसीलिए क्योंकि उसके यहाँ पे बिलियनर्स हैं। बिलियनर्स कभी, मैं अगर ये अगर मैं इसमें गलत भी हो सकता, पर बिलियनर्स जो भी बनते हैं वो सारे बिजनेस करके ही बनते हैं, कोई जॉब से नहीं बनता। मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, बट ये आप समझ लीजिए कि आपको किसी तरह से बिजनेस में थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, यूथ को तो प्लीज़ दिखाना चाहिए। तो अभी मैं प्लान किया है कि कुछ मनी रिलेटेड कंटेंट भी डालूँगा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया मैं। अभी रिसेंटली मैं थोड़ा मनी रिलेटेड कंटेंट डालूंगा, पैसों के किस तरह से यूज़ करते हैं और पैसा किस तरह से वैल्यूएबल है उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। स्टॉक रिलेटेड बता पाऊंगा, चाइना हमसे इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अगर आपको जो मुगल्स हैं उनके भी बारे में बात करना चाहूंगा। मुगल जो हैं वो मंगोलियन थे, वो चाइनीज से रिलेटेड उनका चेहरा फेस स्ट्रक्चर था। अलाउद्दीन खिलजी जो रणवीर सिंह जैसा लगते हैं कि हमको रणवीर सिंह जैसा नहीं, वो बॉलीवुड का है, बट उनका रियल चेहरा जो है वो चाइनीज फेस कट है उनका, वो सिर्फ चाइना वाले उसमें डिफरेंस पता कर सकते हैं, हम लोग नहीं पता कर सकते। पहले ये समझ लीजिए, बुद्धिज़्म हमारा, कुनफू हमारा, सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू हमारा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो, मेडिटेशन हमारा, योगा हमारा, फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी हमने किया, और बहुत सी चीजें, एलजेब्रा भी हमारा ही है, नंबर सिस्टम्स हमने किए, कोडिंग। आज अगर इंडिया नंबर्स नहीं बनाता तो कोई कोडिंग नहीं करता, जितनी भी टेक कंपनीज आज कुछ भी नहीं होती अगर कोडिंग नहीं कोई करता तो, और कोडिंग्स के लिए नंबर्स की जरूरत रहती है। सबसे पुराना लैंग्वेज हमने, हमारा सबसे पुराना बुक्स है, हमारे सबसे पुराने बुक्स है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हमारी है नालंदा यूनिवर्सिटी। जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया स्ट्रांग नहीं है, पहले इंडिया के बारे में जान लो। हमारे वैदिक स्कल्पचर जो है बहुत स्ट्रांग है। बिलीव करने की बात है, बिलीव करना शुरू कर दीजिए प्लीज। कभी कभार मैं भी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि कुछ कुछ फ्रॉड करते हैं, बट हमें ये सब समझना होगा, स्किल्स समझने होंगे कि हम लोगों को किस तरह से सपोर्ट करना है। चाइना को बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है, इसी से समझ पाए, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन के मामले में ज़्यादा है, तो अगर चाइना को अगर कुछ करेंगे। अभी रिसेंटली दिल बेचारा जो ट्रेलर रिलीज हुआ है वो सबसे ज़्यादा व्यूज और सबसे ज़्यादा लाइक ट्रेलर हो चुका है एज़ कम्पेयर टू एवेंजर्स एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर। तुम्हारा पावर देख रहे हैं, वो हिंदी मूवी है, हमारी पावर देखिए, टी सीरीज जो है हमारा है, तो हमारा पावर देख रहे हैं आप। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारा गिरने का, हम लोग एक दूसरे से लड़ना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, सही में भाई। जब तक तीसरा कोई ना है ना, तब तक हम एक होंगे नहीं। हमारा स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था कि कोई हमको पछाड़ नहीं पाता था, हम झगड़ा करने लगे, अपने से ही झगड़ा करने लगे। क्यों भाई, क्यों झगड़ा करना है? अगर वो दो लोग, तीसरा आदमी नहीं रहेगा ना, जैसे अगर सपोज हिंदू मुस्लिम का जो भी होता है, अगर आपको एक बात बोलूं, जब हिंदू मुस्लिम्स नहीं होते थे, क्रिश्चियंस नहीं होते थे, कोई भी धर्म नहीं होता था, सिर्फ हिंदूज होते थे, पर वो हिंदूज ही नहीं होते थे, वो दो इसमें डिवाइडेड रहते थे, जो विष्णु को मानते थे और जो शिव को मानते थे, इन दोनों में झगड़ा होता था, और इन दोनों में से जो ये एक बड़ा सा पॉलिटिक्स चलता है ये सब में, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है बट समझिए, थोड़ा इस चीजों में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलता है। आपको ये समझना होगा कि आप इस बातों को किस तरह से समझे। न्यूज चैनल्स भी है,
बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं, आपको ये बात समझना होगा। ये यहाँ पे प्रॉब्लम चालू है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम शुरू है। जैसे अगर मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, सपोज एक कंट्री में कोई टेरर अटैक ये सब चालू है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चालू है और यहाँ पे हम व्यूवर्स हैं, है ना, व्यूवर्स हैं यहाँ पे ये हुआ है और इसको इसको कवर करने वाला कौन, न्यूज़ मीडिया। न्यूज़ मीडिया ये सब लोग ओन करके रख देते हैं, खरीद लेते हैं, तो ये उसी चीज़ को दिखाएगा जो वो लोग चाहेंगे। चाइना जैसा कम्युनिस्ट हरकत तो यहाँ पे भी हो रही है। आपको दिमाग शांत रखना है, किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करना। न्यूज़ चैनल आपके सगे संबंधी नहीं है कि जो बताएंगे वो सही बताएंगे। इतना आसान इतना रहेगा तो उनका टीआरपी ये सब का नाटक रहता है। और ये सब में एक और बात, टीआरपी का कंपटीशन रहता है। और सबसे ज़्यादा जब आपको कोई गुस्सा वाला चीज़ दिखाते हैं ना, तो हम लोग उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हमला हो गया, यहाँ पे टेरर अटैक हो गया, मैक्सिमम ये न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला जो वाइब होता है, जिसमें हार्ट बीट ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देश के बारे में बहुत आता है, यार अभी इसको तोड़ देंगे, हाथ इसको फोड़ देंगे, वैसा जो वाइब आता है ना, उससे ज़्यादा टीआरपी मिलती है। बिग बॉस वैसे ही चलता है, झगड़ा झूड़ी देखने में, न्यूज़ चैनल भी वैसे ही चलाते हैं, बात वही है। तो प्लीज़ आप समझिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे भाई, कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तो चाहता हूँ कि अब मैं अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चालू हैं, लॉकडाउन भी है, तो मैं तो जितना हो सके उतना कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अभी मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा, बाकी रेफरेंस के लिए वीडियो देख लीजिए, कॉन्फिडेंस का भी, मेरे डिप्रेशन का भी वीडियो डाल चुका हूँ, आप वो भी देखिए, तो आप उसको समझिए कि क्या है। बस इतना ही कहना था, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम टेक गवर्नेंस को फॉलो कर लीजिएगा, उस पर मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो आप पूछना चाहें मैं इमीडिएट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पर्सनली आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।